एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरुप्रसाद। हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी ने अमृत वेले दी अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दां विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साढ़े शरीर की यह सिरजना की है इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी खिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देंदा है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दियां शाखा अपना शिंगार बदल रही ने। उदास दिखाई दे रही नगन दिखाई दे रही ने यह शाखा दरख्तां दियां। हूबहू मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसमी बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर शिंगार कीता है। किधरे पीले रंग दा किधरे गुलाबी रंग दा किधरे चिट्टे रंग दा इतने सुंदर शिंगारमई वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जांदा है। ए मौसमी बहार मनुख दे मन दे उते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी दी रुत आ गई है। मन दी हालत कुछ और हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है। सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदे ने और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़िया नू एक पासे करन ते। हू बहू जो समा है दिन दे चार पैर रात दे चार पैर जिथे रुत दा असर है मौसम दा तन ते मन ते असर है उथे चार पैरां दा जिसनू समा कहिंदे ने वक्त कहिंदे ने इस दा भी मन दे उते तन दे उते अपना प्रभाव है। आदि काल तो संत जना दी पकड़ दिच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदियां सो गया तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जांदी है। अखां खुल जांदियां। इह गल वखरी है अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ए उठ सके। वक्त सिर सौं गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखदे हां प्रकृति पंछियां नू जगा देंदी है पशुआं नू जगा देंदी है क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदियां चिड़ियां पंछी पशु करीबन करीबन सो जांदे ने। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है चह चहांदे हुए पंछी उठ बैठदे ने गऊआं उठ बैठदियां ने बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु पक जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नू भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता।
वैसे ते देखिया जाए इदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम दे मुताबक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा दे निकट आन लई इसनू प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नू कबूल करना ही पएगा और उदी नियमावली नू जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मक चिंतन करदे सन हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतरमुखी पुरुष उन्हां दी पकड़ दे चाया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहिंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नू तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियांदा है। ए नींद उस भोजन नू पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ए जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नू भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नू भजन दी भी लोड़ है, मन भजन भी चाहुंदा है। इस समा कहिंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे 1 पल दी साधना बराबर हो जांदी है। समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहिंदे ने जे 1 होए तां उगवे रुत्ती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे पर बीजन वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा सही ढंग नाल ओ प्रफुल्लित भी नहीं आउंदा, ओ पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ए जो रात दा चौथा पैर है इसनू साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा यह ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या, ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनू इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुभा जो सुभावक अल्लाह नू चेते करा देंदी है। थोड़ी जिया भी किसे मनुख दे अंदर अंतरमुखी होण दी जागृति है तो ए समा बहुत मदद करदा है, बहुत मदद करदा है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान हर अमृत वेले वत्थे का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतिशकरण दी धरती देच जो अमृत वेले नाम दा बीज बो छड़दा है बरकता नाल झोलियां भर जांदियां ने, ओ लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है दुनिया भर दे बंदगी देच पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने, अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने शबद कुर्बान खाके राहे संगत दिले गोया हमी बस आरजू करत। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले जिड़ियां संगतां थोड़े मार्ग ते चल पैंदियां ने उन्हां दे कदमां दी खाक मैनू बना। ओ कदम बड़े पावन ने, ओ चाल वली महान है, अमृत वेले दी चाल गुरु दी तरफ दरअसल परमात्मा दी चाल है। ए परमात्मा दी तरफ चलना है और ए परमात्मा तक पहुंचण दा एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहिंदे ने थोड़ी जिहा वी जिस किसे दे अंदर जागृति पैदा हुई है उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुत्ता रह गया है
मानो उदी नींद हराम है, ओ हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहेबान शौक, गोया हराम करदन आईंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिया भी बेदारी जागृति किसी दे अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आईंदा दे वास्ते अमृत वेड़े दा सोना मानो हराम कर छड़दा है, भाव नहीं सौंदा। स्वभावक ओ जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठांदा है, उस समय तो लाभ उठांदा है। भाई गुरुदास जी ते एक प्रार्थना कर देन अकाल पुरख दे अगों। आप कहिंदे ने नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारी है। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियां दे नाखुन तो लेके सिर दे केसां तक, नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर देते जान मेरे शरीर दे। मेरी ए चाहत, मेरी ए मंग, फिर इना टुकड़िया नू की करिए। काट काट सिखन के चरण परवारिए, इना नू कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उना दे कदमा तो सदके करो, उथे निछावर करो। फिर भी आखर मास दे टुकड़े ते बचनगे, की करिए। आप अगां चल के कहंदे ने अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनक प्रकारिए। फिर मेरे मास दे टुकड़िया नू जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उना नू पी देना। फिर पवन राणी दे चरणा च बेनती करनी, जोदड़ी करनी मेरी राख नू ते हड्डियां दे जरिया नू उड़ा के ले जाए। आप कहिंदे ने अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारिए। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त तिस खाक नू और हड्डियां दे चूरे नू अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहिंदे ने हां हां ए सुटे, पर किथे सुटे है। जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधर किसे भी शहर दे, किसे भी कस्बे, किसे भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पे, पवन राणी नू कहना मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नू उस दे कदमां दे च विछावे, उस दे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तह पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाव नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पे है, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मंत्र दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तों फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध च जो एक पौड़ी दी रचना कीती है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहिंदे ने चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा मिथ ए कह रही है
कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरणा दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरणा ते डोले है ब्रह्मे ने, ए जल आन के गिरे है शंकर दियां जटावां च, और उस दे चों ए निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकल दी है, धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां, और उना दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नू जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिले शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगण वालिया नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने, एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, उसके जल की अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखते ने। यही कारण है कि जद कदी किसी का कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करते सन, तू आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखण दे चाया है वाकई टिकाने दे बदल दया, आब हवा दे बदल दया, वह तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसे शरीर लई अमृतमई हो सकती है, जल किसे शरीर लई अमृतमई हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन हकीम सन शरीर शास्त्री सन, उना दी रसना तो निकले ते अमृत है, ये ते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करन लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है। ती शरीर नू स्वस्थ रखण दे च गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही कम करदा सी, एक महान औषधि दा काम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी होई ए धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उना दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है, शरीर उत्ते इस जल दा अमृतमई प्रभाव पैंदा है। एक गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस दे च कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरां दे गटर इस गंगा दे च पै रहे ने, महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमई जल नूं किसे हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ए अमृतमई हवा नूं अमृतमई जल नूं थां थां ते विष बनाण दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब कीती और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नूं इसने खराब कीता है, गंदा कीता है, मलिन कीता है। खैर ए एक अलग विषय है, ए जल अमृतमई है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। 68 तीरथ
इस दे किनारे ते बने हैने देव प्रयाग रुद्र प्रयाग करण प्रयाग ऋषिकेश हरिद्वार बनारस प्रयागराज दा संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीर्थ इस दे तट ते बने हुए ने तीर्थां दी शोभा बनी हुई है। तीर्थ गंगा दे तट ते सुभायमान दिस रहे ने थां थां ते तीर्थां ते जाके लोकी अपना तन मन इशनान द्वारा सही करन दी कोशिश दे लगे रहिंदे ने। तो भाई जी कहने 68 तीर्थ गंगा दे तट ते बने हुए ने 68 तीर्थ अंग समाई तेहलो की परवान है महादेव ले सीस चढ़ाई। इस दी महिमा तीन लोकां दे छे और शिव जी ने इसनु अपने मस्तक दे थां दित्ती। देवी देव सरेवड़े जय जय कार बड़ी बड़े आई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना कर देने नमस्कार कर देने जद वगदा होया इतना अमृतमई जल इतनी वड्डी धारा तो दिस पैंदा है प्रभु दी बहुत वड्डी बख्शिश बहुत वड्डी रहमत। कहिंदे ने सालां बद्दी भी गंगा दा जल बोतलां च रख दईए गंदा नहीं आउंदा बदबूदार नहीं आउंदा वो अपनी असलियत गवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है जैसे जैसे पुराना हुंदा जाए उहदे च नवीनता निखार आंदा जांदा है। तो वाकई ए जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करदे ने ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਣ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲਖ ਲਖ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਥ ਲਿਵਲਾਈ। ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਜਲ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल और एक विष्णु नहीं लखां ही विष्णु दे चरणां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख और एक बैकुंठ नहीं लखां बैकुंठ लखां गंगा लखां विष्णु दे चरणां दा जल लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल और लखां ही ब्रह्मयां दे करमंडलां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई साधु धूर न पुजने साध संगत सतगुर शरणाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन दी साधना कर रहे है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है भाई गुरदास जी कहिंदे ने उस दे कदमां तों लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है फिर सतगुरु दी बाणी ते खुल के कहिंदी है जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है उहदे चरणां दी जिहड़ी धूर है मानो करोड़ां गंगा दा इशनान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले दा चरण जिथे रखेगा रेत दे सरियां नूं अक्सीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करन दी। देखिया जाए पंछियां दे खूबसूरत नगमे हैं उसे समय सुनन नूं मिलदे ने चहचहाट कलोल खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुत्ता रह गया तो उस तो ज्यादा होर कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन देच उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। ओ महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान परिपूर्ण परमात्मा दे चरणा दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेट है ओ भेट अमृत वेलाई है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव ओ समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त भोजन छकण दा अलग शरीरक क्रियावां दे अलग समय और समाजिक संबंध आर्थिक रिश्ते
राजनीति दा वेला इस दे लई अपने अपने समय ने, पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय है, ईश्वर नाल जुड़न दा समय है। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। ए समा अपने कोल ना रखी, सुता ना रह जाई, उठ उस समय। और ए उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया ए सुबह सुबह अल्लाह दी है, ए सुबह ए सवेर ए महूरत ब्रह्म है, ए समा अमृत वेला है, अमृत दी बरखा हो रही है। दरअसल कहिंदे ने उस समय माया सुती पई हुंदी है। माया दे सुते रहने तो मुराद ए है, अक्सर लोग सुते पए ने तो दुनिया जे सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने, समाजिक होंदे ने, आर्थिक होंदे ने, राजनीतिक होंदे ने, और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन होंदा है। उन्हां बोलां दियां तरंगां चारों पासे छा जांदियां ने। नवे नवे इबादत करन वाले बंदे नूं, ध्यान साधना करन वाले बंदे नूं ए बोल और उन्हां बोलां दियां तरंगां प्रभावित करदियां ने, नाम जुड़न दे च बाधा खड़ी कर देंदियां ने। तो जगत ते सुत्ता पे है, ए तरंगा पैदा नहीं हो रही। ऐ मनुख तो उठ बैठ, अपने अंदरों अध्यात्मक तरंगा पैदा कर, ताकि परमात्मा दी बख्शिश जो बरस रही है उदा तू पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनु ऐसा कह, अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम दा चिंतन ते उस वड्डे दियां वड्याईयां दी विचार तो कर। एक गल वखरी है कि दिन भर भी तो विचार कर सकदा है, पर ओ तरंगा उस विचार नूं गहरा नहीं जान देणगियां जो चारों पासे फैलियां होईयां ने। रात नूं शरीर विश्राम दे जाना चाहुंदा है तो शरीर दी चेतना शरीर दी शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तू संघर्ष करके प्रभु दा जो है चिंतन कर सके। ए समा ए वक्त मदद करदा है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहे है, पर एक ने सिर दे एक मन दा वजन रखे होया है तो कठिन होवेगा उसनु जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा। ओ समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दी महिमा गायन करदे होया कहा, दुनिया दियां सारियां बरकतां उस मनुख दे झोली दे च आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम दा अभ्यास करदा है, वाहिगुरु नाम दा चिंतन करदा है। इस चिंतन द्वारा उस दा प्रभु नाल संबंध जुड़दा है। ते प्रभु नाल संबंध जुड़न दा मतलब की है, महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़दा है, महाशक्ति उस दे अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जांदी है। ईश्वर नाल जुड़िया होया मनुख कमजोर नहीं हो सकदा। तिथे जोद महाबलसूर तिन में राम रहा भरपूर। जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है वह महाबली आउंदे ने, योद्धा आउंदे ने, सूरबीर आउंदे ने, और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योद्धे ओ बन जांदे ने।